2014 बाद देश में प्रगति और विकास की नवी यात्रा साथ नव भारत निर्माण थई रह्यु छे तेम राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हाए अंकलेश्वर खाते योजायेल परिसंवाद में विस्तृत चर्चा करी कह्युं हतुं। भारत विचार मंच और अंकलेश्वर उद्योग मंडल संयुक्त उपक्रमें आज रोज अंकलेश्वर एआईए हॉल खाते जूना भारत और नवा भारत विषय पर परिसंवाद आयोजन करवामां राज्यसभा सांसद केन्द्र सरकार की होम अफेर्स कमिटी सभ्य और दिल्ली यूनिवर्सिटी प्राध्यापक राकेश सिन्हा की अध्यक्षता में परिसंवाद योजवामां आव्यो हतो। 2014 पहलानुं भारत और 2014 पछीना भारत पर योजायेल परिसंवाद में जूना भारत और नवा भारत पर पोताना विचारों प्रगट करवा राकेश सिन्हा पहलाना भारत में ज्यां ज्ञाति आधारित राजनीति और सांस्कृतिक वारसाना जतननी वात थती हती पण थई न हती अने 2014 बाद राष्ट्रवाद सांस्कृतिकवाद और अर्थतंत्र व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित करी देशनी विदेश नीति में फेरफार करी नवा भारतनुं निर्माण कराई रह्युं छे। देशना जे इतिहास तोड़ी मरोड़ीने रजू करवामां आव्यो हतो जे इतिहासने हवे बदलवामां आवी रह्यो छे। देशमां केन्द्रमां जे मुद्दा आधारे केन्द्रनी राजनीति थती हती तेवा तमाम महत्वपूर्ण मुद्दाओ पूर्ण करी देवामां आव्या छे जेमां उदाहरण रूपे राम जन्मभूमि कश्मीर समस्या नॉर्थ ईस्ट समस्यानो अंत साथे उन्नत मस्तके उभा रही सकीए एवी विदेश नीतिमां सुधारो करायो छे। संवेदनशीलतानी वात करता तेमणे जणाव्युं हतुं के देशमां अणुमथक बन्यां टेक्नोलॉजी विकसी परंतु ग्राम्य विस्तार में जे सुधारा थवा जोईता हता ते थया ना हता जेमा उदाहरण रूप शौचालय नी वात करिए तो 2014 बाद करोड़ो शौचालय उभा करी ग्राम्य विस्तार में ग्रामजनोना मान सन्मान अने गरिमा अपावी छे। तो देश में पहला जे भ्रष्टाचार हतो तेने काबू में लेवा माटे अनेकविध प्रयासों ने लई हाल काबू आंशिक आव्यो छे। आ मुद्दो खूब मोटो छे छतां सरकार आकरा कायदा घड़ी भ्रष्टाचार नाबूद राव माटे पण आगळ आवी रही छे। देश में 2014 बाद अनेक बदलावो थया छे अने देशमां केन्द्रनी सरकारनी अनेक उपलब्धिओ मेळवी छे जेने लई हवे आंतरराष्ट्रीय फलक पर भारतना अन्य देशो विशेष दरजो आपी रह्या छे। आ प्रसंगे प्रज्ञा प्रवाहना राष्ट्रीय संयोजक श्रीकांत काटधेरजी पण विशेष उपस्थित रह्या हता। बीडीएमए ना प्रमुख हरीश जोशीए एआईए प्रमुख रमेश गाभाणी हिम्मत सेलडिया प्रवीण तरैया नोटिफाइड भाजप प्रमुख जसू चौधरी तेमज भाजपना होद्देदारों विकास मंचना होद्देदारों हाजर रह्या हता। हमारी आजादी का आंदोलन हुआ तो वो आज़ादी के आंदोलन का मकसद सिर्फ देश को राजनीतिक स्वतंत्र करना नहीं था। भारत की आज़ादी के आंदोलन और दुनिया की आज़ादी के आंदोलन में एक बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। बाकी जगह सिर्फ लड़ाई पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की थी, हमारे यहाँ डिग्निटी की लड़ाई थी और हमारी लड़ाई में डिग्निटी के साथ यूनिवर्सलिज्म शामिल था। 1927 में जब आज़ादी कोसों दूर था तब भारत का एक डेलीगेशन कांग्रेस उसमें के इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक डेलीगेशन ब्रुसेल्स में एंटी अपार्थाइड कॉन्फ्रेंस जो रंग भेद नीति के खिलाफ या जातीय भेदभाव के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भारत का डेलीगेशन गया था जिसका नेतृत्व तो नेहरू ने किया था। तो जब आज़ादी की लड़ाई हमारी भारत की चल रही थी तो हम अफ्रीका की बातों को उठा रहे थे। उस समय की कांग्रेस के प्रस्तावों को देखेंगे तो अफ्रीका के संबंध में प्रस्ताव आएगा। तो दुनिया के सभी चीज़ों पर नज़र रखना जिसके कारण भारत की आज़ादी के आंदोलन का एक महत्व बना है।